हेलो गाइज, मैं हूँ अशफाक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्पर में। दोस्तों, जब भी कोई यूट्यूबर अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन करता है तो उसके मन में एक ही इच्छा होता है कि उसके चैनल पर जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर पूरा हो जाए, कि जिससे वो अपने चैनल को मोनेटाइज करा सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। दोस्तों, ये चैनल जो आप देख रहे हैं टेक्निकल हेल्पर, इस पर भी 4000 वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस चैनल को मैं मोनेटाइज करके दिखाऊंगा और आपको भी बताऊंगा कि आप अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों, इस थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप मोड साइट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ आपको सर्च करना है youtube.com। तो चलिए दोस्तों, मैं youtube.com सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो देखिए दोस्तों, आपके साइड कॉर्नर में आपके YouTube चैनल का लोगो दिखेगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ YouTube स्टूडियो का ऑप्शन मिला, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो देखिए दोस्तों, आपके YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 पब्लिक वॉच आवर होना चाहिए, तभी आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं। तो दोस्तों, मोनेटाइज कराने के लिए आपको यहाँ एक मोनेटाइजेशन का सेक्शन आपको यहाँ दिख रहा है दोस्तों, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों, यहाँ देखिए आपका जो क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मेरा क्राइटेरिया पूरा हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा हो चुका है और 4000 वॉच आवर भी पूरा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अप्लाई कर दिया। उसके बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री को फिल करना पड़ता है। तो स्टेप वन को चलिए दोस्तों, मैं फिल करता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों, यहाँ आपको टर्म एंड कंडीशन आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इस सब को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, ये रिलोड होगा। तो चलिए दोस्तों, ये रिलोड होने देते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों, ये स्टेप वन डन हो चुका है। तो उसके बाद दोस्तों, ये स्टेप वन डन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, स्टेप टू का बारी आता है। तो स्टेप टू पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए, स्टेप टू है, यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ परस्यूट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिला, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ आपको दो ऑप्शन मिला है, एक तो है यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, एक है नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो दोस्तों, अगर आपके पास अकाउंट पहले ही से है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करके उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं कंटिन्यू कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों, जिस ईमेल आईडी से आपको एडसेंस बनाना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं अपने पुराने ही ईमेल आईडी से आपको बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपको जिससे बनाना होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, उसके बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, गेट मोड आउट ऑफ एडसेंस। तो दोस्तों, यहाँ आपको सिंपली यस कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ देखिए इंडिया मिल चुका है, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ आपको एग्रीमेंट मिलेगा, सबको यहाँ आपको साइन कर देना है, यानी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दिया। उस कंटिन्यू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है आपको। तो चलिए दोस्तों, मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको ऑप्शन मिला है इंडिविजुअल। तो दोस्तों, आपको यहाँ इंडिविजुअल ही रहने देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ आपको चैनल का नाम आ जाएगा। तो दोस्तों, चैनल का नाम को हटाकर आप अपने नाम रख लीजिएगा, जिस नाम से आपको अपना एडसेंस अकाउंट बनाना है, यानी आपके पैन कार्ड पर जो नाम हो वही डालना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ आपको एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड, स्टेट, फ़ोन नंबर, ये सब डाल देना। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं ना भी डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ये सब डालकर आपको दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों, देखिए मैं सब कुछ डाल दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों, ये देखिए मैं सब कुछ डाल दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों, ऐसा ही आप सब कुछ डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबमिट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलने वाला है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ रीडायरेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको रीडायरेक्ट पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ आपका इन प्रोग्रेस सेकंड वाला दिख रहा है, तो देखिए दोस्तों आपका जो चैनल इन प्रोग्रेस में हो चुका है। उसके बाद दोस्तों ये डन होगा तो आपका ऑटोमेटिक जो चैनल है अंडर रिव्यू में चला जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने यूट्यूब चैनल को अंडर रिव्यू यानी मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.